हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए फिर से विभाजन सूत्र यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का ये वीडियो नंबर सेकंड है। मैं पहला वीडियो बताया था आपको, उसमें मैं आपको बताया था कि जो फॉर्मूला होता है जो एनसीईआरटी का 7.1 एक्सरसाइज है उसको कैसे सॉल्व करना है। मैं पहला वीडियो बना चुका था और अच्छे तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड करवाया था उसमें। अब ये सेकंड 7.2 शुरू होने वाला है, तो इसके लिए मुझे बोर्ड पर आ करके पढ़ाना काफ़ी ही अहम था, इसलिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि विभाजन का सूत्र कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला कैसे आएगा, और इसका मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, पहले फॉर्मूला बताऊंगा और उसका मैं एक एग्जाम्पल बनाऊंगा यहाँ पर, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए और फिर आराम से आप 7.2 जब मैं बताऊं तो आपको इजी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा तो समझ आएगा। सो सबसे पहले देखें अंतः विभाजन, यहाँ पे विभाजन सूत्र, यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, ये जो है ना विभाजन सूत्र है, विभाजन सूत्र। और ये विभाजन सूत्र जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। एक होता है अंतः विभाजन, एक बाह्य विभाजन, यानी कि अंदर में काटता है, यानी कि कोई लाइन है, कोई रेखा है, उसको कहीं पे अंदर में विभाग काटता है, और एक कोई लाइन है जिसको बाहर में अनुमानित होता है कि यहाँ पे काट रहा होगा, एक इमेजिन किया जाता है। तो आपकी किताब में तो मेरे ख्याल से अंतः विभाजन के ही बारे में दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बाह्य विभाजन के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, दोनों एक ही में क्लियर हो जाएगा। हो सकता है किसी किसी का जो एडवांस, जैसे कि आलोक हो गया या तो फिर आर एस अग्रवाल बुक हो गया, थोड़ा सा एडवांस लेवल कराता है बुक, तो मे भी वो सवाल हो सकता दिया हो, लेकिन एनसीईआरटी मेरे ख्याल से अंतः विभाजन ही होगा शायद, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो अंतः विभाजन ये क्या बोलता है, अंतः विभाजन बोलता है क्या है, यदि ए x1 y1 तथा b x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु, कहीं पे बिंदु है जिसका नाम है p x और y, किस अनुपात में m और n के अनुपात में विभाजित करती है। तो देखो ये कोई रेखा है, ठीक है, a और b कोई रेखा है, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या दे रहा है, x1 और y1, और b का क्या दे रहा है, x2 और y2। याद रहेगा फॉर्मूला कितना इजी से बनेगा, समझ में आ जाएगा आराम से। अच्छा, किताब में फॉर्मूला भी अलग, मतलब उसी टाइप का, थोड़ा सा a b x y थोड़ा चेंज रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला से मतलब है, क्या बोलता है, a और b को मिलाने वाली रेखाखंड, ये जो मिला रही रेखाखंड को बिंदु p, कहीं पर भी बिंदु, हमको पता नहीं कि बीच में है कि इधर है उधर है, लेकिन m और n के अनुपात में, m और n के मतलब पता चल रहा है कि m का वैल्यू अलग होगा और n का वैल्यू भी अलग होगा, इससे मतलब तो यही पता चल रहा। अगर दोनों सेम होता तो m अनुपात m ही लिखता, तब हम जानते बीचों बीच होता, लेकिन यहाँ पे m n दे रहा, मतलब दोनों वैल्यू अलग है। हो सकता है 2:3 हो, 1:2 हो, 3:2 हो, ऐसे भी हो सकता है विभाज कर रहा, तो हम कहीं पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, उसे कोई मतलब नहीं कि बीच में है या इधर है। ठीक है, हम यहाँ पे लेते हैं पी, पी का वैल्यू क्या दिया, एक्स और वाई, ऊपर लिखते हैं इसको, इसको पी है ना, यहाँ पे लिखते हैं ऊपर, नीचे ही लिखते हैं, पी है हमारा एक्स और वाई है, हो गया। ये पी हम ए बी, अब बिंदु पी कितना अनुपात में, एम अनुपात एन, यानी कि एक अनुपात हमारा एम है और एक अनुपात हमारा एन है। ये एम और ये एन में क्या कर रहा है, इस रेखा जो है ए बी जो रेखा है इसको आधा आधे बांट रहा, कौन बांट रहा, ये बांट रहा पी, किस अनुपात में, एम और एन के अनुपात में, या तो 1:2 हो, या तो 2:3 हो, या 4:5 हो, या कुछ भी हो 2:3, यानी कि यहाँ पे दिया रहेगा आपका क्वेश्चन में, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, समझ में आ जाएगा आराम से। अब ये समझो कि इसका फॉर्मूला कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो देखो फॉर्मूला आपको बोलेगा x और y निकालने के लिए बोलेगा, यानी कि बिंदु जो निर्देशांक है यहाँ पे बोले कौन सा है, कौन बिंदु है जो काट रहा है इसको, कौन बिंदु है जो इसको उसको काट रहा x और y का, और ये m n दिया रहेगा ऑलरेडी। ठीक है, और नहीं भी दिया रहेगा तो इसी फॉर्मूला से हम लोग सेट करेंगे। चलो तो हमको निकालना क्या, x और y निकालना है, ये तो निकालना है, x से y निकालना है, यानी कि p निकालना है। तो पहले x से वाला जानते हैं, x कैसे निकालते हैं। देखो ये जो देख रहे हैं m, ये m को गुना कर लेंगे इससे एक बार पहले में, और n को गुना करेंगे इससे, आसन में m को गुना करेंगे x2 से, और n को गुना करेंगे x1 से। एक्स वाला निकालना है, जब एक्स वाला निकालना है तो एक्स से गुना करेंगे, और जब वाई वाला निकालना है तो वाई वाला वाई से गुना करेंगे। तो एम को गुना करेंगे x2 से, m को गुना करेंगे x2 से, प्लस आपकी किताब में m1 m2 होगा दिया हुआ, तो उससे कोई मतलब नहीं, हम mn मान लिए कोई दिक्कत नहीं। m को गुना किए x2 से, और फिर n को गुना करेंगे x1 से, क्योंकि m वाला x वाला वैल्यू निकालेंगे पहले, तो m x2 प्लस
एन एक्स वन बाई, अब जो बाई जो करेंगे एम और एन को जोड़ देंगे एम प्लस एन, ये आपका एक्स से वाला दूरी एक्स अक्ष निकलेगा, ठीक है। अब वाई एक्स अगर निकालना है तो क्या करेंगे, वाई को वाई एक्स निकालना है तो एम को अगर वाई टू से करेंगे गुना, एम को वाई टू से गुना करेंगे प्लस, और एन को वाई वन से गुना करेंगे, एम को वाई वन से गुना करेंगे, इधर भी एम प्लस एन ये जोड़ देंगे। तो यही है तो आपका फॉर्मूला है, ये अंतर विभाजन का फॉर्मूला है। हो सकता है आपके किताब में एम वन एक्स टू और एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन ऐसे भी दे सकता है, तो हम यहाँ पे m1 m2 नहीं माने m n मान लें, अलग अलग कोई दिक्कत नहीं उसे, मतलब वही है। अगर m1 बैठाएंगे m1 m2 तो यहाँ पे m1 हो जाएगा, यहाँ m2 हो जाएगा, यहाँ पे m1 हो जाएगा, यहाँ m2 हो जाएगा, यहाँ पे m1 m2 m1 m2, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो m1 m2 में m n मान लें आराम से, ठीक है। आप इसको भी लिखेंगे तो वही आएगा। तो समझ में आइए फॉर्मूला कैसे बनाइए, तो ये आप याद रखना, ये माइंड में अगर विभाजन के सूत्र भूल जाओ दिमाग से तो ये डायग्राम याद रखना है, एक लाइन बनाना रफ में कॉपी में और यहाँ पे इस तरह से पूरा बना लेना। तो m को पहले x2 से गुना करेंगे फिर n को गुना करेंगे x1 से, यानी कि जो अनुपात दिया रहेगा उस अनुपात को x2 से और x1 से गुना करना है, क्योंकि x वाले निकालना है तब, अगर y वाले निकालना है तो वही m को फिर y2 से और वही n को फिर y1 से गुना करके और बटा में m प्लस एन कर देंगे, आपका ये फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। आगे समझे, अब आओ मैं आपको इसी का एग्जाम्पल बताऊँगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल उसी फॉर्मूला पर आधारित है, बस उसी फॉर्मूला पर सेट करके बनाना है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दें ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से समझ में आए कि ये सर ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। अब देखो सवाल बोल रहा कि उस बिंदु का नियामक निकालना है जो बिंदु दो तीन और सात आठ को दो अनुपात तीन के अनुपात में अंतः विभाजित करते हैं। क्या अनुपात क्या करता है, अंतः, बाहा नहीं लिखा रहेगा, अंतः, अंतः लिखा रहा तो अलग फॉर्मूला है और बाहा का अलग फॉर्मूला जो मैं इसके बाद बताने वाला हूं। अब देखो इसको हल करते हैं, अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो हम शॉर्ट में यहां पर एक इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। यह हमारा मान लो कोई ए होगा, यहां पर बी होगा और बोलता उस बिंदु का नियामक, हमको पता नहीं कौन सा बिंदु है, कहीं पे होगा, मान लो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मान लो P है नाम का कुछ नियामक होगा, ठीक है, उसको निकालना है। अब हमारा ये A का जो वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ, A का मान दिया हुआ दो और तीन और B का मान सात और आठ दिया हुआ, और ये तो हमको नहीं पता, तो हम इसको मान लो एक्स से और वाई, यहीं पर लिख लेते हैं एक्स से और वाई, तो इसको क्या मान लें हम, इसको एक्स वन वाई वन मान लेते हैं, इसको एक्स टू और वाई टू मान लेते हैं, और ये जो हमारा m n दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, m बराबर कितना दिया हुआ है दो और n बराबर कितना दिया हुआ है तीन, दो अनुपात तीन। तो अब ये जो हम लिखे हैं, ये जो हम लिखे हैं इसको अब हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, है ना, क्या लिखते हैं, माना कि a दो तीन, या तो हाँ माना कि a दो तीन, इतना बराबर क्या मान लें एक्स वन और वाई वन मान लें, ठीक है, और फिर आपको क्या माने बी बी सेवन एट, क्या मानेंगे इसको एक्स टू और वाई टू, ठीक है। फिर आपका जो P दिया हुआ है, P जो वहाँ पर लिखे एक्स और Y, ये तो हमको निकालना है, ये हमको निकालना है कौन सा बिंदु है। अब देखो ये एम एन जो दिया हुआ है, तो m अनुपात n बराबर क्या है दो अनुपात तीन, ये तो दिया हुआ है। अब बस क्या करना है, ये फॉर्मूला निकालो किस बिंदु पर, उस बिंदु का नियामक निकालना है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिख लेते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, आपको आपको क्लियर दिखेगा। देखो फॉर्मूला इसलिए लिखते हैं एक्स और वाई, क्या फॉर्मूला बनेगा, एम को पहले गुना करेंगे एक्स टू से फिर एम को गुना करेंगे एक्स वन से, फॉर्मूला लिख ही लो याद रहेगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, एम को गुना के एक्स टू से और एन को गुना करेंगे एक्स वन से बाई एम प्लस एन। बहुत होशियारी से इसको बनाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा माइनस प्लस में, यहाँ पे तो कहीं फिलहाल कहीं माइनस प्लस नहीं दिया हुआ ना, लेकिन माइनस प्लस दे देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ करते हैं बहुत लोग। तो एम अब वाई वाला निकालना, तो क्या करेंगे एम को गुना करेंगे वाई टू से और एन को गुना करेंगे वाई वन से, ठीक है, बाई एम प्लस एन हो गया। अब इसको बैठा दो, एम कितना दिया हुआ, देखो एम दिया हुआ कितना दो, एक्स टू कितना दिया हुआ है सेवन, देखो एक्स टू कितना दिया हुआ है सेवन प्लस एन कितना दिया हुआ है एन दिया तीन, एक्स वन कितना दिया हुआ है एक्स वन आपका दिया हुआ है दो, है ना, बाई यहाँ पे एम प्लस एन यानी कि दो प्लस तीन। अब यहाँ पर एम कितना दिया हुआ है वही दो दिया हुआ है, वाई टू कितना दिया हुआ वाई टू दिया हुआ आठ दिया हुआ है प्लस एन कितना दिया हुआ तीन दिया हुआ है, वाई वन देखो कितना दिया हुआ तीन दिया हुआ है बाई टू प्लस थ्री,
ठीक है, इसको होशियारी से बनाना पड़ेगा। अब देखो जी, सात दुना 14 प्लस तीन दुना 6, बाई तीन दो 5, यहाँ पे 8 दुना 16 प्लस तीन तिया 9, बाई 5 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 16 चार 14 6 कितना जाएगा 20/5, और ये कितना होगा 16 9 25/5, काट दो, काट देंगे ना इसको तो क्या बचेगा 5 4 20 4 बचेगा, अब 5 5 25 क्या बचेगा 4 और 5, क्या आएगा 4 और 5। इसका मतलब है कि जो बिंदु है जो हमारा एक्स निकला है ना, इसलिए एक्स वाई बराबर क्या बन गया 4 और 5, यही आपका बनेगा निर्देशांक, और ये क्या हो जाएगा आपका बनेगा आंसर। आया समझ में? तो कितना है जिसे हमने इसको बनानी है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस फॉर्मूला यहाँ पर माइंड को सेट करना है, और फॉर्मूला कोई हार्ड नहीं है, मैं आपको बताया हूँ कि कैसे इतना अच्छा से फॉर्मूला आप बना पाओगे, है ना, समझ आया आपको। अब आपको बताएंगे बाह्य विभाजन, इसमें कोई दिक्कत हुआ आपको तो कमेंट जरूर करना, कुछ नहीं करना बस फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे झोल झाल लग रहा ना, इसको सैड कर लेंगे कॉपी में, ठीक है, सैड मतलब रफ में नहीं लिखना है, सैड में लिखना है, और ये बनाना आपको सीधा लंबा, मैं तो यहाँ पे बनाया हूँ ना इधर, आप कॉपी में जब बनाओगे तो सीधा बनाना सीधा। अरे एग्जाम तो एक बार तो एग्जाम ही देना है, बार बार थोड़ी एग्जाम देना है, एक बार तो एग्जाम ही देना है, ठीक है, तो हर क्वेश्चन लॉन्ग थोड़ी होता है, तो एग्जाम तो एक ही बार देना है, इसलिए सीधा बनाते जाना, ऐसे मत करना कंजूसी तरह, तो फिर नंबर कट सकता है, अच्छा नहीं लगता देखने में, खराब लगता है, तो अच्छा देखने के लिए सीधा बनाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, एक पेज बनेगा, हाँ जी, लेकिन आपको नंबर पूरा मिलेगा। आगे समझ में? अब देखो बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन का मतलब हुआ कि कोई लाइन है जिसको बाहर से विभाजन कर रहा है, तो अनुमानित होगा, है ना, यानी कि बोल रहा कि यदि ए x1y1 और b x2y को मिलाने वाली रेखाखंड का कोई बिंदु जो है p है xy mn में बाह्य विभाजन करता है, मतलब बाहर विभाजन करता है। अब इसको कैसे फॉर्मूला के रूप में बनाएंगे, कैसे समझेंगे, चलो ये देखो, मान लो, चलो हम इसको बड़ा ऐसा लाइन बनाता है तो आपको पता चलेगा, ये मान लो a है और b है, इतना ज़्यादा बड़ा हो गया, b है, हो गया, इसके बाहर विभाजन करेगा। अब a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x और x1y1 है ना, x1 और y1 दिया हुआ है, और b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो x2y2 दिया हुआ है। अब बोलता है मिलाने वाली रेखाखंड को कोई बिंदु PXY को बाहर विभाजन करता है, बाहर का मतलब हो सकता है अनुमानित, यहाँ पे डॉटेड बनाते हैं, देखो लाइन सीधा बनाना आप लोग, और इसको हो सके ना तो स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी पे नोट कर लेना, बहुत ही काम आएगा। यहाँ पे मान लो कोई बिंदु है P, ठीक है, कोई बिंदु है P, अब यहाँ पे उसको कहाँ पे विभाजन कर रहा है, एक्स वाई, ये है बाहर विभाजन कर रहा, बाहर कहीं पर हो जो हम डॉट लाइन लिखे, मतलब कि अनुमानित है ये, ठीक है, तो ए बी दिया हुआ है और कोई बिंदु है पी बाहर में, इस रेखा के बाहर में जो डॉट लाइन से पता चला कि बाहर में है और बाहर विभाजित कर रहा, किस अनुपात में, एम अनुपात एन, इसका मतलब ये बोल रहा कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका एम अनुपात हो गया, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एम अनुपात हो गया, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो एन अनुपात हो गया। इसको अच्छा समझना, इसको हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, ए से लेकर पी तक जो दूरी है वो एम है, ठीक है, और बी से लेकर पी तक दूरी है जो एम एन है, क्या है, एन है, क्या है, एन है। ऐसे में बाहर विभाजित करने का मतलब हुआ कि ए बी जो है उसको बाहर विभाजित कर रहे, किस अनुपात में, एम अनुपात एन में, यानी कि यहां से तक दूरी अगर 5 है तो यहां से तक दूरी 3 है, ऐसे में भी ऐसे रास्ता का सवाल। तो अब बोला कि ये हमको निकालना है, तो अब ये कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आप ही बोलो, अगर यहां यहां से यहां तक दूरी में ये दूरी घटा देंगे निकल जाएगा, नहीं यहां से यहां तक दूरी में ये दूरी माइनस करेंगे तो क्या ये दूरी बचेगा, तो माइनस करेंगे मतलब क्या हुआ, घटाना है, माइनस करेंगे मतलब क्या हुआ, घटाना है। अब जो फॉर्मूला जो अंतर विभाजन का था, बाहर विभाजन का ही फॉर्मूला, अगर आपको याद नहीं रहता ये सब झोल झाल तो छोड़ दो, अंतर विभाजन का फॉर्मूला याद है ना, m x2 + n x1 / n x2 + n x1 / n, तो प्लस प्लस आ रहा था, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ माइनस माइनस करना है, ठीक है, माइनस माइनस करना, तो एक्स और वाई निकालेंगे, एम को गुना करेंगे इससे एक्स टू से और घटाएंगे, जाहिर सी इधर लगा करेंगे घटाएंगे तो घटाएंगे माइनस, और एन को गुना करेंगे किसे, एक्स वन से बाई, और यहाँ पे लिखे थे एम प्लस एन लिखते थे, तो यहाँ पे लिखेंगे एम माइनस एन, बस हो गया ये एक सवाल हो गया। और यहाँ करेंगे एम वाई टू माइनस एम एम एन एन वाई वन और घटा देंगे एम माइनस एन। तो अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन में क्या डिफरेंट है, कुछ नहीं,
फिगर तो समझ में आ गया आपको क्या कर रहा बाहर में, लेकिन फॉर्मूला एग्जाम में ये नहीं काम आएगा, इसको तो साइड रखना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखना है। और फिगर आप बना भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो दोनों रिलेशन सेम है, अंतर विभाजन रहता है सिर्फ प्लस होगा, खाली प्लस, और बाहर विभाजन है तो माइनस। बस अंतर विभाजन का फॉर्मूला समझ लो, जो समझाए थे पहले क्वेश्चन में समझाया था अंतर विभाजन कैसे फॉर्मूला होता है, उसमें माइनस कर देंगे तो बाहर विभाजन का फॉर्मूला बन जाएगा। आया समझ में? अब इसी के आधारित पर एक मैं आपको सवाल बताता हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए सवाल है आपका बाह्य विभाजन वाला, जो कि आपको क्लियर सा दिख ही रहा होगा, नहीं तो फिर मैं आपको बताता हूँ पढ़ करके। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, अगर आपको क्लियर नहीं दिखता तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा मोबाइल का, ठीक है, स्क्रीन का। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु दिया हुआ है, ये और ये, 2-3 और -5-3 को 5:3 को बाह्य विभाजित करता है। मैंने जो बोला था 5:3 वही आ गया। अब फिगर बनाओ या ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मान लो है ना, माना कि ए 2 और -3 है ना, 2 और बड़ा लिखते हैं, 2 और -3, ठीक है, इतना बड़ा चाहो तो लिख दो x1 y1, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। फिर b मान लो, b मानते कितना दिया हुआ है ना, -5 और 3 दिया हुआ है, 5 और 3, ठीक है, और इसको मानेंगे x2 और y2, और ये आपका जो दिया हुआ है m/n कितना दिया हुआ, 5:3, और आपको तो एक बिंदु निकालना पड़ेगा ना, उस बिंदु का नियामक यानी कि P हमको xy ये तो निकालना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बना दें, जगह तो बचने रहा, यहाँ पे बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। अब फॉर्मूला बैठाना है, क्या बैठाना हमको, x से और y का वैल्यू निकालना हमको, ठीक है, x से और y का वैल्यू निकालना। फॉर्मूला क्या होता है, mx2 बोलो मेरे साथ, -nx1/m-n, मेरे साथ बोलिए आप लोग सब। फिर क्या है, my2-ny1/m-n, मुझे पता है कि आप मेरे से बहुत दूर हो, लेकिन जब मैं दोहराता हूँ और अगर आप भी दोहराते हो साथ में तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, अब देखो अंतर विभाजन में सिर्फ प्लस होता था और बाह्य विभाजन में सिर्फ माइनस होगा, तो याद रखना बस। अब बैठाना अच्छा से देखो, अब यहाँ पे m कितना दिया हुआ है, यही तो हमारा ई एम है, ये n है, m दिया है 5, तो 5 बैठा लेंगे, गुना x2 कितना दिया हुआ, देखो x2 देखो, ये है x2 कितना है, -5, तो -5 को घेर के लिखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर n कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, 3, और x1 कितना दिया हुआ है, 2 है ना, 2 दिया हो गया, और यहाँ पे ऐसे नहीं लिखो, बटे में क्या हो जाएगा, m-n यानी कि 5 हो गया, ये आपको ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर भी हम लिखते हैं m कितना दिया हुआ है, वही तो 5 दिया हुआ है m, y2 कितना दी, y2 है कितना, 3 है, तो 3 लिखते हैं, -n कितना दिया हुआ, n है हमारा 3, और y1 दिया हुआ -3 है ना, -3, तो इसको लिखेंगे घेर कर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 5-3 हो गया, यहाँ पे ऐसे लिख लो, देख रहे आपको, 5×5=25 माइनस में आई 3×2=6 माइनस में है ना, -+-, आई घट के कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे 5×3=15 --, प्लस 3×3=9 5 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको 25×6 जोड़ दो, 6×5=31 -31/2, और ये कितना गया, 9×5=13 9×5=14 24/2। अब इसको और काटना तो काट दो, 31/2 को हम लिख सकते हैं 15.2, क्योंकि यही तो है माइनस में ना, तो अच्छा से लिखते हैं -15.2, अरे कितना आएगा, कट के 12 आएगा, आ गया हमारा वही आंसर हो गया। अब चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, अतः xy बराबर क्या आया, -15.2 और 12, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, आ गया समझ में, आपको आया ना समझ में। तो कुछ था इसमें, कुछ भी जान नहीं है, बस आपको फॉर्मूला, यानी कि इतना सारा सब्जेक्ट आपके मैथ क्लास में है, तो अगर सब सब्जेक्ट को एक जगह जमा कर दिया जाए तो छोटा छोटा सवाल भी हार्ड लगने लगता है, कब, जब रिवीजन नहीं करते तब,
ठीक है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिवीजन करो। और इस चैनल पे तो रिवीजन का तो भंडार कर दिया हूँ मैं, कितना सारा 25-26 वीडियो बना दिया हूँ सिर्फ मैथ ऑब्जेक्टिव का, 25 सवाल। और बहुत सारे आप लोग तो देख देख के मास्टर ही बन गए हैं बहुत सारे क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी जब पिछला वाला क्वेश्चन जब उठा के लाते हैं तो फिर भी देखते हैं ज़्यादा परसेंटेज मिलता है जो कि रॉन्ग हो जाता है आंसर। तो इससे ये पता चलता है कि रिवीजन बहुत ज़रूरी। और ये सब सवाल है ना, ये जो है ना देख रहे हैं, ये रिवीजन नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा, 100% बोलता हूँ रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे आप। तो अब एक और आपका बच गया इस वीडियो में, एक और मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जब ये 7.2 आपका एनसीईआरटी का खत्म हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का अंतःकेंद्रीय होता है, केंद्रक होता है, माध्यिका होता है, वो कैसे निकालेंगे। हालांकि एनसीईआरटी में उतना डीपली नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपका भारतीय भवन किताब में स्टूडेंट फ्रेंड में ये सब सारा सवाल दिए हुए हैं। तो आप जब पढ़ रहे हैं तो इतना अच्छा से पढ़ लीजिए कि आप आने वाला जो टाइम है, जो आने वाला जो क्लास है, यानी कि इंटर में जाएंगे, ट्वेल्थ में जाएंगे, तो क्लियर हो जाएगा ये मैटर, ठीक है। तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन मत लेना। और एग्जाम में भी आता है कभी अंतःकेंद्रीय पूछता त्रिभुज का, तो वही से रिलेटेड एनसीईआरटी ये समझती है कि हम स्टूडेंट को एक चीज़ बता दिए तो स्टूडेंट इतना तेज और तर्रार है कि समझ गया होगा, लेकिन हमारा स्टूडेंट तो बहुत ही लो ग्रेड का है। तो मैं चाहूँगा कि आपको पूरा बता दूँ एनसीईआरटी के अलावा भी जो है इस चैप्टर में जो है, ठीक है। तो पहले तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जान लो इस वीडियो में, इसके बाद एंड कर देंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक का मतलब ये हुआ जी कि कोई लाइन है, ठीक है, पी और क्यू, इसका नाम हम दे दें x1 y1, इसका नाम दे दें x2 और y2, ठीक है, कोई लाइन है और ये बिंदु बोले तो यहाँ पर क्यू नहीं आर देते हैं, ठीक है, पी आर और यहाँ पर क्यू। अब बोला क्यू का निर्देशांक निकालिए। अब ये मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य का मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों लाइन है इसको बीचों बीच काट रहा, मध्य के मतलब का बीच हुआ। अब जब बीच में काट रहा तो इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो एक्स और वाई निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, एक्स वन को एक्स टू से जोड़ दो, दो से डिवाइड कर दो, उस तरह से वाई वन को वाई टू से जोड़ दो और फिर दो से डिवाइड कर दो, बस यही तो फॉर्मूला है। ये है आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक लिख लेना अच्छा से, मध्य बिंदु का निर्देशांक का ये फॉर्मूला x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। इसका मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत, एक क्वेश्चन बस। और क्वेश्चन मैं यूं ही ऐसे ही देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि कोई बिंदु है और बोलता है कि बिंदु 5 2 और एक है 3 6, इसको जो है एक मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए, मध्य बिंदु। अब सवाल में डायरेक्ट बोलते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए, इसका मतलब कि बीच वाला पूछ रहा है, तो हम पी क्यू पी आर ए बी सी डी कुछ भी मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका क्यू हो गया, मध्य बिंदु तो क्यू होगा, अगर ए बी माने तो यहाँ पे कुछ भी, अब कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे पी क्यू आर भी मान सकते, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको निकालना मध्य बिंदु, मध्य के मतलब बीच, आप जानते हैं यहाँ पे लिख देते हैं P बराबर 5 2, हम क्या लिखें x1 और y1 यहाँ पे मान लेते हैं, और आपका R बराबर क्या है जी 3 6 है, यानी कि x2 और y2 मान लेते हैं, और आपका Q है तो Q बराबर x और y, ये तो हमको निकालना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसलिए फॉर्मूला हमेशा लिखेंगे, ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक जब भी सवाल बनाएंगे, रफ में भी बनाएंगे, अगर आप रफ में रिवीजन कर रहे हो सवाल को तो फार्मूला लिख लिख कर रिवीजन करना, फार्मूला याद तब होगा जब आप बार बार लिखोगे। मैं बहुत बार बोल रहा हूँ ये मतलब क्रिटिकली बात हो गई कि मैं बार बार इसको क्यों जिक्र कर रहा हूँ, ताकि फार्मूला आपके दिमाग में बैठ जाए, रटने से नहीं बैठेगा, मैं आजमा चुका हूँ, रटने से नहीं बैठेगा, बस बार बार बनाने से बैठेगा और लिखने से बैठेगा। और लिखने का मतलब ये नहीं कि उसको लिखते रहो, सवाल बनाओ, रिवीजन करो क्वेश्चन को, और जब रिवीजन करते हो ना तो बस फॉर्मूला के साथ रिवीजन करो, ठीक है। अब देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2 हो गया। अब देखो इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, आप लोग सीधा चलिए यहाँ बनाते हैं, लेकिन दिखेगा नहीं यहाँ पे, दिखेगा नहीं यहाँ पे, सही से दिख, लाइट नहीं दिख रहा होगा। x1 कितना हमारा, देखो 5 से x2 कितना है 3 है, 5 + 3 / 2, और y1 कितना है 2 है / 2 6 है, 2 + 6 / 2 हो गया। देखो 5 और 3 8 / 2 और 6 2 8 / 2 कितना गया 4 4। जाहिर सी बात है जब मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो दोनों तो बराबर ही होगा, है ना जी। इस बिंदु का जो निर्देशांक निकलेगा क्या निकलेगा, बराबर निकलेगा, मध्य के मतलब बराबर, यानी कि जितना इधर है उतना ही इधर है मध्य बिंदु का निर्देशांक। अगर आप ये दोनों, ये जो आया हमारा 4 4 आ गया,
अगर इन दोनों का दूरी निकालेंगे और इन दोनों का दूरी निकालेंगे तो क्या कहते हैं आप, दूरियां बराबर हो कि नहीं होगी? देखो पांच में चार घटाएंगे एक बचेगा एक का स्क्वायर, दो में से चार घटाएंगे दो होगा, दो दो चार एक रूट पांच हो गया। यहाँ देखो चार में से तीन घटाएंगे एक का स्क्वायर और चार में से छह घटाएंगे दो होगा, दो का स्क्वायर दो दो चार एक पांच रूट पांच रूट पांच। ये क्या बताए हम, ये दूरी का फॉर्मूला बताया आपको, जान रहे आप है ना? तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यानी कि 7.2 आपका पूरा अच्छा तरीके से आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। तो ये सवाल जानना बहुत जरूरी था, ये एज ए नोट्स के रूप में अपने कॉपी पर जरूर लिख लेना, ठीक है? और इसको रिविजन करना। नोट से बनाने का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा किताब छाप दे, नोट से बनाने का ये मतलब हुआ एक फॉर्मूला लिखे और उस फॉर्मूला से रिलेटेड एक सवाल लिखे, यानी जितना टाइप का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को लिखेंगे एक सवाल लिखेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे एक सवाल लिखेंगे, इस तरह से आपका नोट्स बन जाएगा। और जब नोट्स बनेगा तो आप एग्जाम के टाइम में पूरा किताब पढ़ोगे नहीं, नोट्स निकालोगे कॉपी और यहाँ पे कॉपी निकाल के बस सिर्फ देख लोगे, अरे यार ऐसा ये होता है ये होता, ठीक हो गया, क्लियर हो गया, आया समझ में? तो कैसा लगा आपको पढ़ने में, मजा आया? मजा आया तो लाइक तो जरूर बनता है। बार बार मैं एक ही बात बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ ये बात मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग को पसंद आया तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे दिखना भी चाहिए, जो लाइक का बटन है ना दिखना भी चाहिए, तो हमको लगता है कि हाँ रियलिटी में लाइक मतलब अच्छा लगा, मतलब शो होना चाहिए। एक तो बोलता है कि शो करना है, तो इसमें शो करना मांगता है, ठीक है? और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको फ़ायदा ही होने वाला है। और अगर आपको पर्सनली मेरे से जुड़ना है, मेरे से अगर जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको एक एड्रेस बताऊं, बहुत सारे लोग व्हाट्सअप नंबर मांगते हैं, व्हाट्सअप नंबर देने की जरूरत नहीं, व्हाट्सअप हम दे देंगे आपको, तो फिर मोबाइल से रिकॉर्ड कैसे करेंगे भाई? फिर हम है ना वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, मोबाइल से रिकॉर्ड कैसे करेंगे, सब लोग कॉल करेंगे। तो देखो टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना, प्ले स्टोर से टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहाँ पर सर्च करना ए ऑनलाइन सोल्यूशन 2021, ये सर्च करोगे तो एक ग्रुप का नाम आ जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन होना। जैसे ही ज्वाइन हो जाओगे वहाँ पे एक मैसेज आएगा मेरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए, ठीक है? या तो फिर आप बाद में भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और जब एक जगह जहाँ पे सारा स्टूडेंट का जो लिस्ट दिखता है जो ज्वाइन हुए हुए हैं वहाँ पे आपका ऑनर लिखा रहेगा, जब मेरा पिक वहाँ पे लगा रहेगा या ए ऑनलाइन सोल्यूशन लगा रहेगा, तो वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलो वीडियो को करते हैं पेंट, दीजिए मुझे इजाज़त, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।